غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بحق محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجمدين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلموهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے
आपकी इन मजालिस में शिरकत की कबूलियत के लिए, तमाम मरीज़ों की शिफा याबी के लिए आपकी दुआओं को शामिल करते हुए, आज़ादारान सैयदुश्शोहदा, मातमदारान मज़लूम करबला, मुहिब्बीन अहले बैत, उलमाए कराम, मराज उज़ाम, ज़ाकिरीन किराम की तौफीकात खैर में इजाफे के लिए, इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक सलावात मुहम्मद। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरावान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत, सिलसिले गुफ्तगू की तीसरी मजलिस है। उन्वाने गुफ्तगू मैंने सूरह आले इमरान की एकाए मजीदा को मौजू सुखन करार दिया है, जिसमें परवरदिगार आलमीन मोमिनीन पर एक एहसान का ज़िक्र कर रहा है, और वो एहसान ये है, वो मिन्नत ये है कि परवरदिगार आलमीन मोमिनीन को वो एहसान याद करवा रहा है। वलकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, तहकीक अल्लाह ने मोमिनीन पे ये मिन्नत लगाई, ये एहसान किया। और मैंने परसों की गुफ्तगू में ये अर्ज़ किया था, मिन्नत उस एहसान को कहते हैं जिसके ज़रिए किसी मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। ये मिन्नत, ये एहसान, ये नेमत उस मुसीबत के मुकाबले पे आती है कि जिस मुसीबत में गिरफ़्तार है इंसान और उस मुसीबत से उसे निजात मिल जाए। तो जिसके ज़रिए मुसीबत से निजात मिले, अरब उसको इस मिन्नत से याद करते हैं। परवरदिगार फरमा रहा है कि मैंने मोमिनीन पे ये मिन्नत लगाई, अहले ईमान पे ये मिन्नत लगाई। क्या मिन्नत लगाई? इस बाफ़ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, मैंने उन्हीं के नफूस में, अब नफूस से मुराद यानी जिन से इंसान से, मैंने फरिश्ता नहीं भेजा, मैंने किसी और मखलूक को नहीं भेजा, चूँकि तुम्हारी हिदायत के लिए भेजा, तो उसे वो तमाम सिफात व औसाफ और तमाम एहसासात व जज्बात दे के भेजा ताकि वो तुम्हारे लिए नमूना अमल बन सके। चूँकि अगर फरिश्ता होता तो तुम्हारे लिए नमूना अमल कैसे बनता? देखिए आसान लफ्ज़ों में, अगर वो तुम्हारी जिन से, अगर वो तुम्हारी तरह ना होता, तरह से मुराद ये कि उसके एहसासात व जज्बात इसी इंसानी तकाजे उसमें शामिल ना हों, तो वो नमूना अमल कैसे बनेगा? आसान बात है, मिसाल देता हूँ जो उलमा ने दी है कि मसलन गर्मी का महीना है और वो आपसे कहते हैं रोज़ा रखो, और ख़ुद उन्हें ना गर्मी महसूस हो ना सर्दी, तो उसका रोज़ा रखने का हुक्म देना मुअस्सर ही नहीं रहेगा। ऐसे ही है ना, असरअंदाज ही नहीं रहेगा, चूँकि सामने वाला सोचेगा कि जब इस के एहसासात व जज्बात वो हैं ही नहीं जो मेरे हैं, ये वो अज़ियत ही महसूस नहीं कर रहा जो मुझे है, वो तशनगी इसे महसूस नहीं हो रही जो मुझे हो रही है, तो इसका हुक्म देना ये क्या माना रखता है? तवज्जो फरमाई है। लिहाजा इस उनवान से अल्लाह ने हम में से भेजा, यानी इंसानों में भेजा। अब इंसानों में भेजने का माना ये थोड़ा ही है कि वो हम जैसा है, ये जो आप कहते हैं ना हम जैसा नहीं, इसका माना ये नहीं। तवज्जो रहेगी, बात ज़रा मुश्किल है और हमारे मेंबरों से इसकी दुरुस्त तबयीन होनी चाहिए, उलमा ने की, लेकिन फिर भी इस हवाले से हम जैसा नहीं, इसका माना इंसानियत की नफी नहीं। हम जैसे होने का मेयार व मिलाक ये आज़ाए ज़ाहरी थोड़े ही होते हैं। आप जब किसी इंसान को किसी इंसान से बेहतर अफजल कहते हैं
तो ये थोड़ा ही कहते हैं कि वो इंसानियत से खारिज है, ऐसा तो नहीं कहते ना। एक आलिम जाहिल से अफजल है, बेहतर है, यानी यानी आलिम जाहिल जैसा नहीं है। यानी क्यों? चूंकि इसमें जो कमाल है वो उसमें नहीं है, तो कमाल इंसानी की वजह से वो अलग होता है। मेरी बात नहीं पहुंची है? अब जब हम कहते हैं ना पैगंबर हम जैसे नहीं, तो इसका माना इंसानियत की नफी नहीं, इसका माना यह है कि वो कमालात की उस मंजिल पे फायज हैं जहां कोई बशर की परवाज अकल पहुंच ही नहीं सकती। जिसे जो कमाल चाहिए हुसूल कमाल के लिए वो आगे नजर आएगा। तवज्जो है? और यही माना है कि आले मोहम्मद जैसा कोई नहीं। यही माना है कि ये कायनात जैसे नहीं, इसका माना ये है कि इन इंसानों में अल्लाह ने इन्हें वो तमाम कमालात में उस मंजिल पे फायज किया है कि जो कमाल हमें चाहिए वो कमाल इन में मिलेगा। इसलिए इनकी अजमत है बशरियत होना, ये नक्स नहीं, बल्कि ये बशरियत के बावजूद उन फरिश्तों से अफजल नजर आए। मैंने बात तो कह दी है, नहीं तवज्जो फरमाएं भाई। देखें आसान लफ्जों में, फरिश्ता जहां रुक जाए और कहे इससे आगे नहीं जा सकता, और सरकारे दो आलम इस जिस्म उनसरी के साथ आगे चले जाएं, तो यह है कमाल बशरियत कि जहां जिब्राइल की नूरानियत खत्म होती है वहां सरकार की बशरियत शुरू होती है। कमाल है ये, यही कमाल है। परवरदिगार फरमा रहे लकद मन्नल्लाहु, ताकीद मैंने मिन्नत लगाई, मिन्नत एहसान किया मोमिनीन पर। क्या एहसान? इज जवाब आ रहा है लाम का, मैंने मिन्नत लगाई। इज बाफीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, मैंने उनमें रसूल भेजा। तवज्जो फरमाएंगे, इसी आयत के मुकाबिल आयत है सूरह जुमा की जो पढ़ते हैं, देखिए उसमें क्या फरमाया परवरदिगार ने, हो वल्लजी, मैं वो खुदा हूं। मुतअद्दद बार इस जुमले की वजाहत अर्ज की है मिंबर से, हो वल्लजी, मैं वो हूं। आप पहले जबान इस जुमले की नजाकत को और अजमत को बेहतर समझते हैं। जब किसी की अजमत को बयान करना हो और अजीम हस्ती हो तो आप उसका नाम नहीं लेते, ऐसे ही है ना। मसलन यहां किसी बहुत अजीम हस्ती का कोई अजीज तशरीफ फरमा है तो आप बताना चाहते हैं कि ये फुलां का बेटा है, तो कहते हैं आप जानते हैं ये कौन है, ऐसे ही है ना। वो पूछता है कौन है, तो आप फरमाते हैं ये फुलां के बेटे हैं, ये वो हैं। वो कहते हैं कौन है, आप कहते हैं ये वो हैं, इनके बुजुर्ग फुलां आलिम थे, फुलां शख्सियत थे, ये वो हैं, ये वो हैं। कह के अगर खामोश हो जाएं तो कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा ना, तो आपको वजाहत करना पड़ेगी। इसीलिए उलमा फरमाते हैं जब हो वल्लजी आ जाए तो इसके बाद जो आए वो अल्लाजी की सिफात बन जाता है। काश मेरी बात पहुंच जाए। वो अल्लाजी की सिफात बन जाता है, औसाफ बन जाता है। परवरदिगार फरमा रहा है अपने लिए, हो वल्लजी, मैं वो हूं। परवरदिगार तू कौन है, तेरी अजमत क्या है? हो वल्लजी, मैं वो हूं जिसने ये रसूल भेजा, मैंने ये रसूल भेजा। तो अब मुझे कहने दो, जो खुदा के सिफातों औसाफ की खुदा की सिफत बन रहा है वो मौसूफ और ये सिफत, और कभी भी बेऐब ऐबदार को अपनी सिफत नहीं बनाता, ऐसा ही है। जिसे मकाम कमाल में वो जात कहे, देखे कुरान मजीद में यही जुमला इसी वजन पर इस्तेमाल हुआ है ना, हो वल्लजी, मैं वो हूं,
خلق الموت والحیات, जिसने मौत और हयात को खल्क किया, तो खल्क के मौत और हयात अजमत है ना, बेतवज्जो नहीं है, अजमत है ना, खालिक होना अजमत है, हो वल्लजी मैं वो हूं। इसी वजन पर आप पढ़ते जाएं आयात, मसलन हो वल्लजी मैं वो हूं, अनज़ला जिसने नाजिल की, इलैका आप पर ये किताब, तो अगर किताब अल्लाह की अजमत की दलील है तो जिस पर किताब नाजिल की है, अगर किताब उसकी शनाख्त का जरिया है तो जिस पर किताब नाजिल की है, तो परवरदिगार यहां उससे अलग वहां कहा मोमिनीन पे मिन्नत लगाई सूरह आले इमरान में, और सूरह जुमा में फरमाया हो वल्लजी बाअसा फिल उम्मीयीन रसूलन, मैं वो हूं जिसने उम्मीयीन में रसूल भेजा। अब उम्मी का माना, उम्मी का माना, अब मैं उर्दू तफसीर का यह हवाला दे देता हूं, तफसीर अल कौसर पढ़ लें, इसी आयत के जिमन में तशरीफ पढ़ लें। उम्मी का एक माना जो किया जाता है ना अनपढ़, ये यहूदी कहते थे, चूंकि वो अपने अलावा सबको अनपढ़ समझते थे, ये उनका ताना था, जबकि उम्मी का माना कुरानी इस्तिलाह में अनपढ़ नहीं, उम्मी का माना है जिसको किताब नहीं दी गई, यानी जो अहले किताब नहीं थे। इसीलिए हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं अरब को चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो उसे उम्मी कहा जाता है, एक माना ये। तफसीर मजमौल बयान में लिखा उम्मी का एक माना उम से है, चूंकि काबा उम्मुल कुरा है, यानी इस जमीन की असास और बुनियाद फैलने की चूंकि काबा है, इसलिए उम्मुल कुरा की वजह से यहां बसने वालों को उम्मी कहा गया। तवज्जो रहे, अगर यहां उम्मी का माना अनपढ़ है मादरत के साथ नऊज बिल्ला, और इसको सरकार की तरफ निस्बत दे रहे हो, तो आयत पूरी तो पढ़ लो, ये कैसा नऊज बिल्ला, ये कैसी सिफत है कि अल्लाह अपनी सिफात बयान कर रहा है और कह रहा है मैंने अनपढ़ रसूल भेजा, नहीं तवज्जो फरमाई, ये कैसी सिफत बयान कर रहा है परवरदिगार, ना यहां उम्मी का माना वो नहीं जो दुनिया समझ रही है, हां ये जरूर है, ये जरूर है, अगर उम्मी का माना अनपढ़ होता तो आगे क्यों फरमाता हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयाते, ये तिलावत आयात कर रहा है ना, आगे क्या है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये मुअल्लिम होना ये कमाल है या नहीं, बोलें तो सही, कमाल है ना, हाँ ये है। शहीद मुतहरी और आगा तबा तबाई सब ने लिखा, वो फरमाते हैं कि सरकार ने जाहरी जराए से नहीं पढ़ा, वाकई ठीक है, और ये आपका कमाल है, ये ऐब नहीं कि आपने किसी बशर से नहीं पढ़ा, ये कमाल नबूवत है, नहीं तवज्जो फरमाएंगे, बाज बातें मिंबर से की नहीं जाती और उनकी उस तरह तबयीन नहीं होती है, ये इस माना में कहा गया है कि सरकार ने उस अरब मुआशरे में किसी के सामने जानुए तलम्मुस तय नहीं किया, और सबने लिखा एक ऐसी हस्ती जो किसी के सामने जानुए तलम्मुस तय ना करे, और हिकमत के ऐसे समंदर दुनिया को अता करे, ये खुद दलील है कि उसका मंबा इल्म कहीं ऐसी जात से है, दलील है ना, उसके हकीम और मुअल्लिम इंसानियत होने की दलील है, ये आपकी नबुव्वत पे दलील है कि आप दुनिया से नहीं पढ़े, बे तवज्जो रहे, तो दुनिया से नहीं पढ़े इसका माना जिसे अल्लाह अपना नुमाइंदा बनाता है उसे दुनिया का मोहताज भी नहीं बनाता, तवज्जो नहीं है, चूंकि जो उसे पढ़ाएगा अदल के तहत उसे नबी होना चाहिए इसे नहीं, चूंकि वो इससे ज्यादा इल्म रखता है ना जो इसे पढ़ा रहा है, अब पता चला अल्लाह का नुमाइंदा इस जाहिरी जराए इल्म में दुनिया के किसी इंसान का मोहताज नहीं है। लो भाई चैलेंज है मेरा, वो तो सरकार की जात है ना, सरकार के बाद जिन आले मोहम्मद को हम सरकार के उलूम के वारिस मानते हैं, हमारा चैलेंज है
बताओ उन्होंने दुनिया के किसी फकीर आलिम से पढ़ा हो। तवज्जो रहेगी, तवज्जो रहेगी। हमारा ये दावा है, अब अगर किसी ने लिखा भी ना, शिबली नुमानी जैसे दूसरे लोगों ने, इब्ने तैमिया जैसे लोगों ने लिखा, खुद उलमाए अहले सुन्नत की कसीर तादाद ने कहा ये जसारत भी है ये जहालत भी है। उन्होंने कहा ये क्या बात कह रहे हो जो तुम कह रहे हो आले मोहम्मद के बारे में, क्यों? बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, कहा था ना इब्ने तैमिया ने कहा यह कैसे हो सकता है कि हजरत इमाम अबू हनीफा कहें कि मेरे पास अगर इमाम सादिक की शागिर्दी के 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता। क्यों? उन्होंने कहा, कहते हैं कि इमाम सादिक का सने विलादत है 84 हिजरी और इमाम अबू हनीफा का 80 हिजरी। वो कहते हैं जो 4 साल बड़ा हो उसके बारे में और जिसको लोग फकीह भी सबसे बड़ा माने, वो क्यों इमाम सादिक से इल्म लेगा? ये इब्ने तैमिया ने लिखा। अल्लामा शिबली नुमानी ने किताब लिखी है हयात नुमान बिन साबित, उसमें इसी एतराज़ का जवाब बड़ा खूबसूरत देते हैं। मैंने कहा इन ब्रैकेट आपके खिदमत में बात अर्ज करके आगे बढ़ाऊँ। वो फरमाते हैं कि ये नहायत जसारत है इब्ने तैमिया की। क्या जसारत है? वो कहते हैं कि इब्ने तैमिया ने इमाम सादिक को उम्मत के साथ कयास किया है। अब आप मुतवज्जे हैं इंशाल्लाह, ये वो कह रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने उम्मत के साथ कयास किया। क्यों? कहते हैं उन्हें पता नहीं है कि ये खानदान ने रिसालत का चश्मो चराग है। नहीं नहीं, अब सुने उनका खूबसूरत जुमला। वो कहते हैं कि घर में क्या है ये घर वाले बेहतर जानते हैं। मुतवज्जे हैं मेरी बात की तरफ, मुतवज्जे हैं मेरी बात की तरफ। घर वाले घर की बात बेहतर जानते हैं। भाई अजीब है, अब बात रोज़ाना उस तनाज़ुर में आ जाती है तो अर्ज़ करता हूँ, अजीब है ना कि आज उम्मत में हमें 4 फकीह या फकाहतें या फ़िकही मसालिक को मज़ाहिब नज़र आते हैं, आते हैं ना, मालिकी, शाफी, हम्बली, हनफी आते हैं, और इनकी फ़िक्र, इनकी फ़िक्र इनके पैरोकारों से ही लेते हो ना भाई। ऐसा ही है ना, बात तवज्जो फरमाना, मैं दलील दे रहा हूँ। मसलन आपको फ़िक्र हनफी चाहिए तो मुझसे मिलेगी, मालिकियों से मिलेगी, बोलिए शाफई से, हम्बली से, किससे मिलेगी? हनफियों से, यानी जो इमाम अबू हनीफा की फ़िक्र के पैरोकार है उन्हीं से मिलेगी ना, और शाफियों की इमाम शाफी से, इसी तरह इमाम हम्बल की हम्बलियों से। तो हर किसी की फेक उसके पैरोकारों से मिलती है ना। अजीब है कि ये चारों हस्तियां मोहतरम, हमारे लिए बहुत मोहतरम, अजीब है ये चारों हस्तियां जितनी भी मोहतरम, ये तो सरकार के खानदान से तो नहीं है ना। इनको दीन से मोहब्बत है और ये चारों इस्लाम की खिदमत में फिक मुरतब करें, और जो रसूल के खानदान की हस्तियां हैं उनकी कोई फिक ही नजर ना आए। मेरी बात को तवज्जो से समात फरमाना, चूंकि बात जाती है मीडिया के जरिए दूर तक, इसलिए अब मैं जो बात कर रहा हूं जिम्मेदारी से कर रहा हूं। मैंने पहले दिन कहा था मेरा मुतवज्जे सिर्फ आप लोग नहीं है, मैं बात दलील से पहुंचाना चाहता हूं। सवाल है उम्मत से, सवाल है भाई, चलें बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी, हम्बल, उन्हें आप फकीह मानते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को हम जैसे इमाम मानते हैं, मनसूस मिन अल्लाह, आप नहीं मानते, अहले सुन्नत नहीं मानते, लेकिन फिर भी इमाम सादिक को फकीह तो मानो। मेरी बात नहीं पहुंची है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को फकीह तो मानो ना, उन 4 अइम्मा की तरह ये भी तो फकीह तो मानो। तो अगर 4 इमामों की फिक पे अमल करना ये जायज है तो 5वें की फिक कहां से लें? अब कहते हैं जी आप शियों ने बना ली, चलो यार हम पे इतराज करते हो, हमने बना ली तो आपने क्यों हिफ्ज नहीं की? नहीं, मेरी बात नहीं पहुंची है।
आप इसे मजाक में ना टालें, मैं बात बड़ी दकीक कर रहा हूं भाई। हनफी फिक्र इमाम अबू हनीफा के पैरोकारों से मिले, शाफई इमाम शाफी के पैरोकारों से मिले, मालिकी इमाम मालिक के, हम्बली इमाम हम्बल के, क्या वजह है? बाकी चारों की फिक उनके पैरोकार दावा करें तो आप मान लें। इमाम सादिक की फिक हमसे, हम कहें उन पे अमल कर रहे हैं, आप कहते हैं आपका दावा सच्चा नहीं। दलील ये दे के आपने अपनी तरफ से बना ली। तो अगर मैं भी यही कहूं कि ये जो आप इमाम अबू हनीफा की तरफ निस्बत दे रहे हैं आपने भी बना ली, तवज्जो नहीं फरमाई, आपके पास क्या जवाब है? बस पता चला हर 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 मजहब का पता साहेब मजहब का पता मजहब के पैरोकारों से चलता है। अगर ये कानून आपने कबूल कर लिया तो जैसे वो चार उनके पैरोकारों से पता चलेगा, सादी के आले मोहम्मद का पता भी हमसे ही चलेगा। भाई आप तो दावेदार ही नहीं है, मैंने बात कह दी है, आप तो दावेदार ही नहीं है। अगर दावादार होते तो जाफरी कहलवाते, हनफी नहीं। हमें एतराज नहीं, या हमें एतराज नहीं, आप कहलवाएं हनफी जाफरी आप कहलवाएं, लेकिन सवाल ये है अमल तो करें। आपका एतराज ये करना कि आप जो कह रहे हैं हम नहीं मानते, चलो ना मानो, आप फिर लाओ ना, आले मोहम्मद की भी तो कोई फिक होनी चाहिए ना। क्या उन्हें दीन से कोई मोहब्बत नहीं थी? क्या उनकी दीन से कोई कमिटमेंट नहीं थी कि दीन दूसरे पहुंचाएं, और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? मेरी बात नहीं पहुंची है भाई। फिर जिस घर में ऐसी हस्ती हो कि जिसके बारे में सरकार फरमाए मैं शहर इल्म, और ये दर है, नहीं नहीं तवज्जो फरमाना, अगर आप मौला अली को शहर इल्म में पैगंबर का दर मानते हैं, बड़ी बात कह रहा हूं, वो शहर इल्म जो भी था उस शहर इल्म का ताल्लुक कुरान और सुन्नत से था या नहीं? यही था। यानी इसका दूसरा माना ये कि सरकार शहर इल्म और मौला आए कायनात उस शहर इल्म यानी कुरान और सुन्नत के सबसे बड़े आलिम। मैं बाद हदीसों को आसान खुद करता हूं जानबूझकर, क्यों भला करता हूं? मैंने महसूस किया है, मेरी अपनी एक लोगों में घूमने फिरने के बाद, सोशल मीडिया देखने के बाद, लोगों को हमारी बातें समझ में नहीं आ रही, माजरा चाहता हूं, मैं साफ कह रहा हूं, उन्हें समझ में नहीं आ रही। आप आसान लफ्जों में उन्हें समझाएं ताकि ये गलत फहमियां दूर हूं, वाकई दूर करने के लिए बातें कर रहा हूं। मैं किसी को इश्तियाल नहीं दिलवा रहा, दावत फिक्र दे रहा हूं, और गौर करें। मसलन सरकार ने फरमाया मैं शहर इल्म, हमारा सवाल है, हम उस दिक्कत उस इरफानी बहस की तरफ, उस दकीक बहस की तरफ अभी जाते ही नहीं, वरना खुद शहर इल्म में जो लताफत है वो कौन समझे। कि सरकार जब फरमाए मैं शहर इल्म तो शहर में क्या नहीं होता, लेकिन चलें कम अज कम इतना तो मानना पड़ेगा ना कि इस शहर इल्म में इल्मे कुरान और इल्मे हदीस है, यह तो मानना पड़ेगा ना कि भाई कुरान का सारा इल्म यानी कुरान के इल्म से मुराद कुरान की तमाम आयात की तफसीर तबयीन तोजी कौन करता है? यह हक अल्लाह ने किसे दिया? सरकारे दो आलम को ना, ले तुबैन लिन्नास, आप इसे लोगों के लिए बयान फरमाएं, तबयीन फरमाएं, तवज्जो फरमाएं, एक होता है बयान एक होता है तबयीन। ये है सरकार की अजमत, सरकार सिर्फ मुबैन नहीं तबयीन है, तबयीन करते हैं। दोनों में फर्क बता दूं, आयतुल्लाह तबा तबाही फरमाते हैं कुरान बयान भी है तबयीन भी है। कहते हैं बयान इसे कहते हैं, मसलन मैं बात कर रहा हूं, मुमकिन है कुछ लोगों को समझ ना आ रही हो,
तो ये जो समझ नहीं पा रहे, इसकी वजह ये है कि मेरे कलाम में ये रसाई नहीं, फसाहत नहीं। लेकिन कहते हैं तबयीन इसे कहते हैं कि इतना वाज़े हो कि इंसान सिर्फ हट धर्मी की वजह से ना समझे। इंसान सिर्फ लजाजत की वजह से, लजाजत की वजह से, हट धर्मी की वजह से ना समझे, वरना अगर गौर करे तो समझ में आ जाए। इसे कहते हैं तबयीन। तवज्जो है, कुरान तबयीन है और सरकार भी तबयीन है, यानी कुरान की तबयीन करते हैं। अच्छा, ये जो परवरदिगार ने फरमाया है जो अल्लमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये तालीम किताब देना और तालीम हिकमत देना उम्मत को, सरकार की शरई जिम्मेदारी थी या नहीं? थी ना। और सरकार दो आलम इसी उन्वान से अगर आप कहें ये हदीस जो बयान फरमा रहे हैं अनामदीनतुल इल्म, तो अगर इस पर भी नाजिर हो, इस पर भी, तो आप बता रहे हैं कि कुरान का जितना इल्म मेरे पास है, जितना इल्म मेरे पास है उसका दर अली है। अब लफ्ज़े दर से, लफ्ज़े दर से आप तमसील जहन में राया करें, तमाम जिहाद ना जहन में लाएं। दर से मुराद ये है कि वो इल्म का शहर मैं हूं, और अब मेरे बाद उस इल्म को अगर लेना है तो अली से लेना। जरा तवज्जो फरमाना, आसान लफ्जों में बात की है और आसान लफ्जों में आगे लेके चल रहा हूं। मैंने पहली मजलिस में कहा था कुछ बातें मुमकिन आपके मेयार के मुताबिक ना हूं, माफ फरमा दीजिएगा, लेकिन बात जो कर रहा हूं आसान लफ्जों में, अब ये जो शहर इल्म के दर अली हैं, तो ये दर जो पैगंबर खत्मी मर्तबत ने बनाया मौला कायनात को, ये दर थे या नहीं? ये सलाहियत उनमें थी या नहीं? अगर ये सलाहियत ना होती तो मिंबर पे क्यों कहते जो जी में आए पूछो? फरमाया ना। और इमाम गजाली ने कहा, सुनिए, इमाम गजाली ने कहा कि ये जो वुसअत इल्म हमें मौले कायनात की जबान पे नजर आई, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, वो फरमाते हैं ये जो वुसअत इल्म है, कहते हैं ये वुसअत इल्म आदि जराए से मिलती ही नहीं। माशाल्लाह, जजाकल्ला, आप मेरी बात तक पहुंचे, मुझे खुशी हुई। वो फरमाते हैं इतनी वुसअत इल्म, इमाम गजाली फरमा रहे हैं एक सलवात पढ़ लें, मुतवज्जे हैं इंशाल्लाह। थोड़ा बात आप तक पहुंच रही है, उसी उन्वान से अर्ज करना चाहता हूं, हदफ बेइज्जत और वारस बेइज्जत, ताकि आपको पता। अब वो फरमाते हैं, वो फरमाते हैं ये वुसअत इल्म जो हमें मौला के पास नजर आई, कि मौला ने मिंबर पे कहा जो जी में आए पूछो, और बताया भी, कहते हैं बताया भी सरकार ने, तवज्जो, वो फरमाते हैं मौला की जबान से ऐसे ऐसे कलिमात किसार हिकमतें जारी हुई। वो फरमाते हैं कि जो किसी और की जबान से जारी ही नहीं हुई। इमाम गजाली फरमा रहे हैं, सुनना अब उनका जुमला, फरमाते हैं ये वुसअत इल्म बता रहा है कि मौला अली को इल्म आदि जराए से नहीं मिला। कहते हैं गैर आदि जराए से मिलने का माना यह है कि इल्म अली इल्म लदुन्नी है। इल्म लदुन्नी का माना समझते हैं, कहते हैं जो इल्म खुदा देता है, नहीं वो कौन सा इल्म है, चूंकि ये इस्तलाह आम तौर पे मुस्तामल नहीं, कहते हैं ये वही इल्म है जो अल्लाह ने हजरत मूसा के मुकाबले पे हजरत खिजर को दिया है। आपने कुरान मजीद में वो वाकया नहीं पढ़ा है, कहते हैं जो उन्होंने हकायक कायनात तक हजरत खिजर की रिसाई थी, तो वो इल्म लदुन्नी कहा ना, मुझे अल्लाह ने अपनी तरफ से इल्म अता किया है। सुनना, अब वो खुद कह रहे हैं कि मौला अली का इल्म इल्म आदि नहीं। तवज्जो, अब ये इल्म कैसे मौला अली को दिया? सुने, जैसे रसूल को अल्लाह ने दिया। सुनिएगा, क्या हमारे पास कोई पैरामीटर है
कोई ऐसा जाविया है कि हम बताएं कि सरकार को अल्लाह ने इल्म कैसे दिया? है जरा है, सुनिएगा मेरी बातें। क्यों ये बातें करता हूं? जब इन नौजवानों से लोग बात पूछते हैं तो बाज़ औक़ात ये बेचारे कंफ्यूज हो जाते। क्यों? चूंकि इस जाविये से हम सोचते नहीं, हम सोचते हैं आम जराए से, जबकि आम जराए से तो हर शय हल नहीं होती। नहीं, मैं सवाल, आप पढ़े लिखे दोस्त है, मेरी बात जाया नहीं होगी। वही वही कुरान वही की शक्ल में नाजल हुआ, वही की मादी तफसीर है, बोले तो सही, कि एक शय ऊपर से नीचे ऐसे आती थी? माशाल्लाह, आप फरमा रहे हैं नहीं, तो फिर भी हमारा ईमान है या नहीं? बस पता चला कि हर शय को हम मादी नुक्ते नजर से हल ना भी कर सकें, फिर भी उसका एजाज हमें कबूल करने पर मजबूर करता है। ऐसा ही है। लो, अब अगर कोई सवाल करे कि मौला अली को यह इल्म अल्लाह ने दिया या नहीं, तो हमारा एक ही जवाब है कि जिस तरह कुरान मौजजा था, किसी ने नजूल देखा नहीं लेकिन उस जैसी कोई किताब लाए ना ला सका, इसी तरह सरकार को छोड़ के मौला अली जैसा कोई आलिम लाओ। आप तवज्जो फरमा रहे हैं? तवज्जो है मेरी बात पे? मुतवज्जे हैं? नहीं। अब नतीजा क्या देना चाहता हूं इस सारी तमहीद का? भाई, आम लफ्जों में बात करूं तो सरकारे दो आलम का ये इल्म मौला अली के पास। अब मैं एक ही जुमले पे ठहर रहा हूं, वो इल्म दीन मौला अली के पास, तो मौला कायनात ने वो इल्म अगर आदि जराए से भी दिया हो, आदि, तो अपने बच्चों को दिया या नहीं? बोले तो सही, दिया। और इमाम हसन हुसैन ने अपने बच्चों को मुंतकिल किया या नहीं? इन लोगों की जिंदगियों में दीन से ज्यादा कोई शय कीमती थी? नहीं थी ना। तो इनका इल्म के जराए भी मैंने बता दिए, रसूल खुदा, उनसे मौला अली, मौला अली से हसनैन, हसनैन से अब इधर चलो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उधर चलो तो इमाम हसन की औलाद। ऐसा ही है ना। तो अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आगे चलते आओ चलते आओ, तो इनका जरिया इल्म तो इतना शफाफ है कि अगर इमाम ना भी मानो तो इनका इल्म तो रसूल तक डायरेक्ट पहुंच रहा है। मेरी बात पे तवज्जो रहेगी तो बात समझ में आएगी। आज जो शियों के हवाले से बदजबानी कर रहे हैं, भाई आओ, बदजबानी से मजहब साबित नहीं होते। हकायक की दुनिया में आओ, आओ, बनू उमैया के इस्लाम कहां से पहुंचा और कैसे पहुंचा, और आले मोहम्मद का इस्लाम कैसे पहुंचा? मेरी बात पे तवज्जो नहीं है? मेरी बात पे मुतवज्जे हैं? नहीं। मैंने ये बात इन नौजवानों के लिए की है। छोड़ें, अभी हमारे जो शिया अकायद हैं, अफकार हैं कि इमाम के इल्म के जराए क्या हैं, मैंने उन्हें बयान ही नहीं किया। मैंने कोशिश किया सादा लफ्जों में बताऊं। तो अगर मेरे इमाम सादिक अलैहि सलाम भी, वो सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, वो अपने इल्म का जरिया, भाई सुनना, बोल के बताइएगा, किसी से भी पूछो, अगर मेरे छठे इमाम अपने इल्म का जरिया ये बताएं कि मैंने अपने बाप से सुना, नहीं तवज्जो फरमाई, अगर ये जरिया बताएं तो हमें यकीन है। क्यों यकीन है? क्योंकि जैसा बेटा है वैसा बाप है। नहीं तवज्जो फरमा रहे है या नहीं है? है। अगर इमाम सादिक कहे मैंने इमाम बाकिर से सुना, और इमाम बाकिर कहे मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना, वो कहे मैंने हुसैन से सुना, हुसैन कहे मैंने अली से सुना, और मौला अली कहे मैंने रसूल से सुना, बताओ इसमें शक कहाँ है? मेरी बात पे तवज्जो है या इसमें बताएं शक कहाँ है आपको, आपका एतराज कहाँ है, वो एतराज बताएं। मेरी बात पे तवज्जो रहेगी? तवज्जो रहेगी। और कायनात में ये छठे से लेकर पहले तक ये छह नस्लें मैंने जिसका जिक्र किया बाप के साथ किया, मैं तंज नहीं कर रहा,
लेकिन ये छह नस्लों में सिर्फ यही है जिनकी नस्ल ऐसी है। ऐसा ही है ना, इमाम सादिक से जो शुरू कर रहा हूं तो ऊपर, अब ये बात कह दूं, जो इंसान से शुरू होकर नीचे जाती है ना वो होती है नस्ल, आपको पता है नस्ल, और जो ऊपर जाए वो होती है असल। अगर मैं छठे इमाम को देखूं ना, उसकी असल ये है और उसकी नस्ल ये है। असल क्या है कि बाकिरुल उलूम, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुश शुहदा, अमीरुल मोमिनीन, ये असल है ना, अबाउ अजदाद है। नस्ल कौन है? मूसा काज़िम, अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, अस्करी, इमाम ज़मान, ये नस्ल है, वो असल है। कायनात में जिन बनू उमैया को मनवाना चाहते हो उनकी असल और नस्ल बयान करो। भाई मेरी बात पे तवज्जो रहेगी, अब थोड़ा तवज्जो फरमाएंगे, तवज्जो फरमाएंगे। बात जो दकीक और अमीक अगर अंदाज में इसे ले जाऊं थोड़ा सा दिक्कत के साथ तो ऐसे है, परवरदिगार फरमा रहा है लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इस आयत में, वहां फरमा रहा है हुवल्लज़ी बाअथ फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तवज्जो भाई, आज बस इसी के तर्जुमा हो जाए, कल इंशाल्लाह आखिरी गुफ्तगू है, कोशिश करेंगे गुफ्तगू सिमट जाए, काफ़ी हद तक गुफ्तगू साथ साथ वाज़े होती गई है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, खुदा फरमा रहे मैंने मबूस किया, भेजा। अब आपसे कह रहा हूँ, कुरान मजीद में कहीं भी अल्लाह ने यह नहीं कहा मैंने अपने रसूल को पैदा किया, वालादा नहीं। सुनना क्यों, खुदा कहता है मेरे रसूल की विलादत की तरफ ना जाओ, बेसत की तरफ जाओ। बात मुश्किल है, कबूल करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, विलादत मनाओ, आपकी विलादत बसादत मनाओ, लेकिन खुदा ने जब भी जिक्र किया दो लफ्ज कहे, या अरसला या बासा, मैंने भेजा, या कहा बेसा, मैंने मबूस किया। क्यों? परवरदिगार चाहता है कि तुम इसके मनसब की तरफ हमेशा नजर रखो, सरकार के मनसब की तरफ, चूंकि ये तुम्हारे लिए अल्लाह का नुमाइंदा बन के आया है। अगर तुम सिर्फ उनकी विलादत बसादत तक रुक गए और वो बेसत और वो इरसाले रुसल जो मकसद है उस तक ही ना पहुंचो तो फायदा क्या? अब आपसे बात कर रहा हूं, बात आपसे कर रहा हूं, माजरा चाहता हूं, 13 रजब की अहमियत अपनी जगह, लेकिन 13 रजब की अहमियत तब है जब मुझे और आपको गदीर समझ में आए। मेरे बात पे तवज्जो रहेगी, वो है हदफ, वो है, चूंकि हम उस मौला का यौम विलादत मना रहे हैं जो इमाम है, हम उस सरकार की विलादत बसआदत 17 रबीउल अव्वल को मनाएंगे जो हमारा रसूल है। ऐसा ही है ना, तो कहना क्या चाहता हूं, हमें सरकार से जो फैज लेना है वो इस उनवान से लेना है, उस विलादत से सवाब मिलेगा। बात तवज्जो रहे, विलादत मनाने से सवाब मिलेगा और सरकार की रिसालत की तरफ तवज्जो करने से फैज मिलेगा। फैज़े विलायत और फैज़े रिसालत लेना है, हमारी जिंदगियों में जो तब्दीली पैदा करेगा वो ये है, वो ये है। कौन सा? बासा। बड़ी खूबसूरत बात यहां फरमाई है उलमा ने, जरा थोड़ा सा इस मिजाज के दोस्त भी तशरीफ लाते हैं। बासा, इसका माना फारसी में करते हैं बरअंगीखता करना, बरअंगीखता करना, किसी को उठाना। ये मुकाबिल है जब कोई मुआशरा सोया हुआ हो, बेहस हो, उस बेहस मुआशरे को जब उठाया जाए तो इसे कहते हैं बेसत। आय हाय हाय, इस मफहूम बेस
بعثت میں، مفہوم بعثت میں ایک انقلابی مفہوم ہے۔ سرکار دو عالم اس معاشرے میں، اس معاشرے میں آئے جس معاشرے میں تمام ذلت کی زنجیروں میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی۔ ایسے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، جکڑی ہوئی تھی۔ چلیں میں آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آج کی بات یہیں سمٹ بھی جائے اور آپ تک اس ماحول کی ترجمانی قرآن سے ہو جائے۔ خدا فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، خدا فرماتا ہے اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی ہے۔ کیا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو پھر اللہ نے اس نعمت کے صدقے میں، میری بات نہیں پہنچ رہی، اس نعمت کے صدقے میں تمہارے دلوں کو ملا دیا۔ توجہ ہے بھئی، یہ بعثت سے پہلے والے ماحول کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار سے پہلے والا دور کیسا تھا۔ توجہ ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اس نعمت کے صدقے میں تم کیا بن گئے؟ اخوانن، بھائی بن گئے، یعنی تمہارے اندر وہ بھائی چارے والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، جہنم کے، فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا، میرا رسول تمہیں اس جہنم کے دہانے سے موڑ لائے۔ بے توجہ ہے، یہ ہے بعثت کی عظمت، یہ ہے اللہ کی منت، نے توجہ فرمائی، یہ ہے اس مصیبت سے بچا کر تمہیں نعمت رسالت کے ذریعے یہ ملا۔ توجہ رہے گی، توجہ رہے گی، ایسی باتیں منبر سے عموماً کی نہیں جاتی لیکن ضروری ہیں، ضروری ہیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اہل بیت اطہار نے سرکار کے بعد کیا کیا۔ توجہ رہے گی، کیا ہو گیا سرکار کے بعد؟ آپ کو یہ تو پتا چلے کہ بعثت سے پہلے کیا تھا۔ میں نے پھر بات کہہ دی ہے، شاید کچھ دوست متوجہ نہ ہوئے، بعثت سے پہلے یہ تھا نا، سرکار کے وجود کے صدقے میں اللہ کہتا ہے تم یہ تھے، اور میرے رسول نے تمہیں ان چیزوں سے نکال دیا، دشمنیوں سے، جہنم کے دہانے سے، تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمن تھے، تمہارے قلوب کو ملا دیا، ایسا ہی ہے، تم جہنم کے دہانے پر تھے، تمہیں اس سے موڑ لیا۔ خدا کہتا ہے یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ، اللہ اپنی آیات ایسے ہی بیان کرتا ہے شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ لفظ شاید میں ایک گنجائش ہے، قرآن کہہ رہے نا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ۔ اب سنیے گا، توجہ فرمائیے گا، سرکار کا وجود امت کے لیے، اللہ نے کہا مومنین کے لیے نعمت ہے، منت ہے، منت ہے۔ وہ منت تھی کیا؟ یہ کہ تم دشمن تھے، تم ایک دوسرے سے دور تھے، تم زندہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، ایسے ہی ہے نا، اس معاشرے کی تمام جو کچھ بھی برائیاں سوچ سکتے اس معاشرے میں تھی، سرکار کے وجود کے صدقے میں تم ان برائیوں سے نکلے، ایسے ہی ہے نا، سرکار کا وجود سبب بنا، سبب بنا۔ اللہ کہتا ہے یہ تھی تم پر نعمت، نعمت وجود مصطفیٰ، ایسے ہی ہے نا، نعمت وجود مصطفیٰ۔ اللہ کہتا ہے اس نعمت کا شکر ادا کرتے، اس نعمت کا شکر ادا کرتے، لیکن افسوس تم نے شکر ادا نہ کیا، کفر کرنے لگے۔ توجہ فرمائیں گے، کل انشاءاللہ آیات پڑھوں گا اور پھر ان آیات کو ملاؤں گا کہ یہ مقصد بعثت تھا، سرکار امت کو اس حال سے نکال کے لائے۔ لو ایک جملہ آج کہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، بنو امیہ کی حکومت اسلام کے لباس میں جہلیت تھی، تمام اہداف جہلیت کو پلٹا دیا گیا تھا، نہیں توجہ فرمائی، تمام اہداف جہلیت پلٹ آئے تھے۔ حسین ابن علی محافظ بعثت ہیں،
जो उम्मत को दोबारा उतर पलटा रहे थे, जो मकसद बेसद है। तवज्जो है। हाँ, हुसैन इब्ने अली यतलू अलैहिम आयाते, मैं कुछ कह रहा हूं, मेरा हुसैन तिलावत आयात करना चाहता था। नहीं, जुमला बड़ा लतीफ है, मेरा हुसैन तिलावत आयात करना चाहते थे ताकि उम्मत में गैरत ईमानी और दीनी को जरूर। तवज्जो रहेगी। तिलावत आयात करना चाहते थे। यहां तिलावत आयात का माना किरात नहीं, क्यों? चुके कहते हैं ये ताला यतलू, इसका माना यह है कि जो तिलावत करनी है ना, उसके और इस तिलावत करने के दरमियान को फासला ना रहे। हकीकत में इसका माना है कि उन आयात पर अमल करके दिखाना, उन आयात पर जो नाजल हुई उन पे अमल करना। ये जो अल्लाह कह रहे ना मेरे हबीब की, मकसद बेसत ये है कि तिलावत आयात करते हैं, उसका माना ये थोड़ा था कि सरकार आते थे तो पढ़ देते थे। ना, पढ़ने से पहले उस आयत का मुकम्मल नमूना बन जाते थे। काश बात पहुंच जाए, थोड़ा मुश्किल बात है। यतलू अलैहिम आयाती का माना यह है, मेरी बात पहुंचनी चाहिए, यानी सरकार उन आयात पर अमल करके उसका अमली नमूना बनता है। आय हाय हाय। अब सरकार के बाद कुरान पढ़ना और बात है, तिलावत करना और बात है, तिलावत करना और बात है। अब सरकार के इस मनसब का वारिस वही बनेगा जो सरकार की तरह इन आयात का अमली नमूना नजर आए। जज़ाकअल्लाह। लो आखिरी जुमला आज की गुफ्तगू का, तिलावत आयात मकसद बेसत में पहला मकसद। मेरे साथ हो, हुसैन मुहाफिज मकसद बेसत थे ना, इसीलिए सिर्फ जिंदा होते कुरान नहीं पढ़ा। आय हाय 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 हाय। सर कटा के कुरान पढ़ रहे हैं ताकि दुनिया को बताऊं यतलू अलैहिम आयाती का मिस्ताक ये है। मुझे नहीं पता कितने दोस्तों तक मेरी ये बात पहुंची है, सरे हुसैन कट गया और नोके नेजा पे, और ये बात अहले सुन्नत भी मान रहे हैं। मेरी बात सुनना, जो बात कह रहा हूं, अल्लामा सुयूती ने, नूरुल अबसार में अल्लामा शबलंजी ने, बहुत सारे उलमा ने लिखा, कहा कि इमाम हुसैन के सर ने सूरह कहफ की तिलावत की। नहीं, तवज्जो फरमाइए, आपने तिलावत की और कहते हैं कायनात में सिर्फ हुसैन ने की। नहीं, तवज्जो फरमाई, सिर्फ सैयदुश्शुहदा के सर ने तिलावत कुरान की। तो क्यों की? ताकि सारे मसले हल हो जाएं। मैं नहीं कह रहा, अल्लामा सुयूती फरमाते हैं, सरे हुसैन ने तिलावत करके कुरान की इस आयत पर मुहरे तस्दीक सब्त कर दी कि शहीद जिंदा है। तवज्जो है। वो फरमाते हैं इस आयत पे मोहरे तस्दीक सब्त कर दी। अब ये तो उन्होंने फरमाया है ना, मैं कहता हूं कि मेरे हुसैन इब्ने अली का सर तिलावत कर रहे हैं। अमूमी हालत में सर जब कट गया तो जिस्म और रूह का रास्ता राबता तो कट गया ना, तो जिस्म अलग रूह अलग, और वो सर फिर भी कुरान पढ़ रहा है। तो बताया कि जिस्म और रूह के मिलाप से कुरान पढ़ना और बात है, जिस्म और रूह का राबता कट जाए लेकिन फिर भी कुरान से ताल्लुक ना टूटे, उसे हुसैन कहते हैं। भाई सुने, तवज्जो फरमाएं, मेरी बात पे तवज्जो फरमाएं। मैं इससे कोई मसला आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। यतलू अलैहिम आयाते और सरे हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, सरे हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, खुद सरे हुसैन का कुरान पढ़ना हक्कानियत सैयदुश्शुहदा की दलील है। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। क्या दलील है? अभी जो अर्ज की, अल्लामा सुयूती तमाम ने कहा कि सरे हुसैन का तिलावत करना दलील है कि शहीद जिंदा हैं। तो हुसैन इब्ने अली ने तिलावत करके बताया कि मैं शहीद हूं।
शहीद होता ही वो है जो राह खुदा में मारा जाए। तो अब इमाम ने बता दिया मेरी राह है अल्लाह की राह, तो अब मेरा कातिल अल्लाह की राह में नहीं होगा। जब अल्लाह की राह में नहीं है तो रहमतुल्लाह कैसे होगा? बातों पे तवज्जो रहेगी तो बात समझ में आएगी। भाई मेरी राह है खुदा की राह, इसीलिए तो तिलावत कर रहा हूं। अच्छा चले एक बात और जल्दी में कह दूं, सरे हुसैन ने तिलावत की, तिलावत की, यही तो मैं कहा करता हूं। इमाम हुसैन के सर का तिलावत करना बताता है, बताता है कि कुरान इनकी हकीकत का हिस्सा है। मैंने तवज्जो नहीं फरमाई है। रात 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 वो हदीस पे मैं भी बहुत पढ़ चुका हूं, लेकिन बरादर एक इशारा फरमा रहे थे, एक हमारे दोस्त हैं मौलाना सप्तैन साहब, उन्होंने भी ये हदीस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि नज़ल अल कुरान अला अरबा अशिया, या इन अल्लाह नज़ल अल कुरान अला अरबा अशिया, परवरदिगार ने कुरान को चार चीज़ों पर नाजिल किया, अल इबारा वल इशारा वल लताइफ वल हकायक। इबारात हैं, इशारात हैं, लताइफ हैं, हकायक हैं ना। इमाम हुसैन से हदीस है, फरमाते हैं कुरान चार चीज़ों पे मुश्तमल है, इबारात पे, इशारात पे, लताइफ पे, हकायक पे। फिर इमाम फरमाते हैं इबारात, यानी ये जो आप कुरान की इबारात पढ़ते हैं, फरमाते हैं आवाम के लिए हैं, खूबसूरती है इसमें हमारे लिए। अब अगर हम आवाम में हैं, इबारात आवाम के लिए, इशारे फरमाया खवास के लिए, स्पेशल लोगों के लिए नहीं, तवज्जो फरमाया। इशारे हर कोई थोड़े ही समझता है, मैंने तो फिर बात कह दी है, वो इशारे हर कोई नहीं समझता, आम अवामी अकल से को इशारे समझ में नहीं आते, खवास को इशारे समझ में आते हैं। इमाम फरमा रहे हैं इसमें जो इशारे हैं ना खवास के लिए हैं, अवाम के लिए नहीं। फरमाते हैं लताइफ हैं, कुरान में लताइफ हैं, फरमाते हैं वो औलियाए खुदा के लिए हैं। चौथी चीज़ फरमाते हैं हकायक, हकायक अम्बिया के लिए हैं। तो अब अम्बिया में सरकार शामिल हैं या नहीं, तो वो तमाम हकायक कल्बे मुस्तफ़ा में थे या नहीं, थे, तो वो कल्बे मुस्तफ़ा में जो हकायक थे वो मुस्तफ़ा ने मुर्तज़ा को दिए ना, सिर्फ जाहिर तो नहीं ना दिया, हकायक भी दिए ना, और वही हकायक मुर्तज़ा ने सैयदुश्शोहदा को दिए। नहीं तवज्जो फरमाई, नहीं। अब हकीकत 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 जब वजूद का हिस्सा बन जाए तो अलग नहीं होती, मैंने तो बात कह दी है, हकीकत जब वजूद का हिस्सा बन जाए तो अलग नहीं। देखे मुझे तशनगी, मैं अक्सर मिसाल यही देता हूँ, ये तशनगी प्यास आपको महसूस हो, आप कहें यार मुझे प्यास है, पानी लिया पी लिया, वो तशनगी थी ना, वजूद में एक कैफियत थी ना, और नफसानी कैफियत थी, इल्मे हुजूरी के साथ आप उसे हिस कर रहे थे, बयान नहीं कर सकते लेकिन उसे कह रहे हैं क्या है, मतलब मुझसे पूछो प्यास क्या है, मैं कहूँगा यार एक कैफियत है, क्या है, मैं कहूँगा कैसे बयान करूँ, ऐसा ही है ना, कोई आप में बयान कर सकता है? आप कहेंगे जब ये कैफियत पैदा हो जाए तो जिस्म में बेचैनी हो जाती है, तो बाहर एक माया है ना, उसे वजूद का हिस्सा बनाया, अब वो पानी जब वजूद का हिस्सा बन गया, प्यास ख़त्म ना, लेकिन वो पानी जिस्म से जुदा हो सकता है? नहीं ना, वो है हकीकत, वजूद का हिस्सा बन गई। आले मोहम्मद की का कुरान से रिश्ता ऐसा नहीं है जैसा हमारा है कि पढ़ें ना, उनका रिश्ता हकायक से है, ये कुरान उनके वजूद का हिस्सा है, इसीलिए वो फरमाते थे हम कुरान नाते कहें, मेरी बात पे तवज्जो रहेगी, और जिसके वजूद का हिस्सा कुरान हो वो कभी जुदा होता ही नहीं, इसलिए सर कट गया और कुरान पढ़ता रहा, कुरान पढ़ता रहा, ये है माना, ये है माना कि वो सर कट के भी कुरान पढ़ रहा है। हाँ, वो कुरान पढ़ना वो अजमत हुसैन, शायद एक आलिम की बड़ी खूबसूरत बात है, फरमाते हैं शायद कुरान पढ़ने का एक सबब ये भी हो, ये भी हो कि लोग मेरी बहनों के सर बरहना ना देखें। ताज्जुब था ना, और पढ़ाई भी यही आयत,
जो सूरह कहफ की आयत है वही पढ़ी ना। क्या मेरा किस्सा आया सहाबे कहफ से ज्यादा अजीब नहीं? और वाकया ना ऐसा है, खानदान इस्मत व तहारत, इनकी मजलूमियत पे रोना बहुत बड़ी इबादत है। इस खानदान की मजलूमियत पे रोना आपको मजलूम के करीब कर देता है, करीब कर देता है। बस बहुत वक्त गुजर गया, माजरा चाहता हूँ आज उस हवाले से, लेकिन एक जुमला पढ़ देता हूँ। अजीज़ा ने मोहतरम, ये करबला में ये जितने मुसाहिब हैं, ये करबला से लेके शाम तक, जाहिर है इन मुसाहिब को जिक्र करने वाले, जिक्र करने वाले वो करबला के वाक़े के बाद जिक्र करते रहे। जाहिर है उस वक्त तो किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी मौके पर किसी ने सवाल कर लिया और बीबियों ने बता दिया, कभी मेरे चौथे इमाम ने बता दिया, कभी किसी दुश्मन ने बता दिया, कभी किसी अपने ने बता दिया। क्यों? चूँकि ये एक लंबा सफ़र है, इस सफ़र में इन पे क्या गुजरी। बाज़ औक़ात इंसान तन्हाई में सोचता है तो कांप जाता है, कैसे कि ये मुखद्दरात इस्मत और इनको इस तरह ले जाया जाए। वल्ला, और ये जनाब ज़ैनब की शुजात थी कि बीबी का इतना हैबत और रोब था दुश्मनों पर कि उनकी जुरात नहीं थी कि बीबी के होते हुए कोई इन बीबियों की तरफ देखे भी। ये अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत का हिसार था, हिफाजत का हिसार था, अल्लाह की कसम। मेरे मुझे ये जुमला बहुत प्यारा लगा, एक दोस्त का, आलिम दीन है, कहते हैं देखो इन बीबियों का किसी मुअर्रिख ने हुलिया नहीं लिखा। कभी सोचा क्यों नहीं लिखा? चूंकि लिख ना सके, ये है उसकी हिफाजत, ये है उसका करम कि जब बीबी खुतबा देती हैं दरबारे यजीद में तो एक इस तरह का रोब है, इस तरह का रोब है, दबदबा है कि किसी को जुरात नहीं होती कि बीबी को रोके। छोटी बातें हैं, ये छोटी बात है कि एक ऐसी बीबी जिसके हाथ पसे गर्दन हो, जिसके भाइयों के, बेटों के, भतीजों के, सब अजीजों अकारब के सर कटे हुए और सामने हो। यार ये कोई हमारी बनाई हुई बातें थोड़ी है। अलविदाया व नहाया पढ़ लें, ये तारीखें पढ़ लें, मकतल अभी मखनब वो सुन्नी था वो पढ़ लें, सबसे पहला मकतल तो उसी ने पढ़ लें। क्या उसमें ये नहीं है कि बीबी जब पहुंची और बीबी ने खुतबा दिया, आप बीबी की मजलूमियत उस तरह देखते हैं, मैं बीबी की मजलूमियत बीबी की शुजात में देखता हूं। चूंकि बीबी शुहदाए करबला की वारसा थी, ये वारसाए मकसद बेसत रसूल थी, इसीलिए कह रही है या यजीद कैद कैदक। ये छोटी बात नहीं, खुदा की कसम इसकी मानवीयत को समझना, मानवीयत को समझना। यजीद को सामने खड़े होके अली और बतूल की बेटी कह रही है यजीद कैद कैदक, यजीद जितनी चाल ले चलनी है चल ले, वस आसैयक जितनी कोशिश करनी है कर ले। वल्लाहे, बीबी क्या कह रही है, क्या जुमले हैं, वल्लाहे ला तम हो जिक्राना वला तुमी तो वही आना। खुदा की कसम सारी चालें चल कर भी ना तू हमारा नाम मिटा सकेगा ना हमारा पयाम मिटा सकेगा। अब मैंने ये जुमला मुस्तामल करने के लिए तर्जुमा किया, वरना बीबी के लफ्जी तर्जुमा क्या है, वला तम हो जिक्राना, तू हमारे जिक्र को महव नहीं कर सकेगा। वला तुमी तो वही आना, हमारी वही यानी जो हमारे घर में उतरी तू उसे मुर्दा नहीं बना सकेगा। इंशाल्लाह आइंदा साल कोशिश करेंगे बीबी के इन दो जुमलों पर कुछ कहूं फजाइल की शक्ल में। ये छोटे जुमले नहीं, ये बनू उमैया की असलियत साबित कर रहा है। इन जुमलों को समझा करो, रवायती मजलसों से ऊपर आए आप हैं। वला तुमी तो वही आना, तू हमारे घर में आने वाली वही को मुर्दा नहीं बना सकता। तुमी तो
मुर्दा नहीं बना सकता। इसका माना कि यजीद हदफ वही को मुर्दा बना रहा था। मुर्दा का माना समझते हैं, यानी एक चीज रह जाए लेकिन उसका मकसद ना रहे, ऐसा ही है ना। मुर्दा इंसान से कोई नहीं डरता। इस्लाम की ऐसी तफसीर बनी उमैया करना चाहते थे जिसमें हर बुराई दीन के नाम पर हो। ये है जो जाहिल नासबी मलून कहते हैं, हुसैन ने क्या किया, ये किया, ये किया कि उम्मत में मुर्दा रूह को जिंदा करके उम्मत को मुस्तफवी बनाया। जैनब का ये उम्मत पे एहसान है, और ये गैरतमंद और ये दीन की रूह समझने वालों को पता चला। मादरा चाहता हूं मैं मुसाइब में इस तरफ चला गया, लेकिन क्या करूं, ये रूह दीन को समझने वालों को पता चला। इसीलिए तो कहा हदीसे इश्क दो बाबास करबला और दमिश्क। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, हदीसे इश्क दो बाबास करबला और दमिश्क। कहते हैं हदीसे इश्क के, अल्लाह से मोहब्बत के दो बाब हैं, एक करबला है एक दमिश्क है। ये के हुसैन रकम कर दो दीगरे जैना, इस बाब को खून से हुसैन ने लिखा और खुतबात से जैनब ने लिखा। हाँ, और मेरी आकाजादी की फौज कैसी थी, खुदा की कसम इस फौज में 4 साल की सकीना भी मजलूमियत के बावजूद वहां नजर आई, वहां नजर आई कि हर मुसाइब के बाद भी फुफी से पूछती रही, फुफी अम्मा, फुफी अम्मा मुझे बताओ तेरी इजाजत हो तो ये काम करूं। ये नज्म, ये नज्म। अब अल्लामा अली नकी नक़्क़ल ने एक वाक्या नकल किया और वो यही तफसीर करते हैं। कहते हैं ये वाक्या जो हम सुनाते हैं, लोग पूछते हैं आप कैसे पढ़ लेते हैं। हाँ, इस वाक्यात का पस मंजर ये है कि करबला के बाद ये हस्तियां जिंदा रहीं, तो ये बयान करते रहे अपने मुसाइब। कहते हैं ये करबला का लुटा हुआ काफिला जा रहा है, और पता है आपको, ये बातें भी सुने मादरा चाहता हूं, ये करबला के काफिले को मारूफ रास्तों से लेके नहीं गए। क्यों? चूंकि लोगों में एक बगावत फैल गई थी, लोग कबूल नहीं करते थे, मत समझे। हाँ, नासबियों में दुश्मनी थी, आम मुसलमानों में दुश्मनी नहीं थी। उसे वो अपने शहरों में घुसने नहीं देते थे, इसलिए बाज़ शहर के बाहर से ले जाते। कहते हैं एक बस्ती के करीब से गुजरने लगे, बस्ती के बाहर, कहने लगा शिमर और उमर साद ने कहा काफिला रोको। अल्लामा नक़्क़ल लिखते हैं काफिला रोका गया। रोक कर शिमर ने कहा मेरे सिपाही प्यासे हैं, कुछ मशकीज़े लिए। कहता करीब एक तालाब पर नज़र पड़ी है, चलो पानी लाएं। अब जानते हैं अरब का सहरा, बारिश का पानी जमा होता है तो वही पिया जाता था। कहते हैं वहाँ से पानी के मशकीज़े लाए, लाकर अपने सिपाहियों को पिलाने लगे। बस आखिरी जुमले, पिलाने लगे। उलमा लिखते हैं जब ये पानी पिला रहे थे, आप जानते हैं कभी रमज़ान में तजर्बा करना कि जब रोज़ा खुलने के करीब हो ना इफ्तार के, तो पानी पे नज़र पड़े तो प्यास बढ़ जाती है। नहीं, बड़ा प्यारा जुमला है अलामा अली नकी नक़्क़ल का। कहते हैं मुझे नहीं पता कि पानी मिलता होगा, लेकिन कहते हैं इतना कहाँ देते होंगे कि बच्चे जी भर के पी लें। नहीं मिलता होगा इतना, लेकिन कहते हैं जैसे ही पानी पे नज़र पड़ी, 4 साल की सकीना ने फुफी को देखा, चेहरा शनास फुफी ने कहा सकीना प्यासी हो। कहा फुफी अम्मा आप भी तो प्यासी हैं। कहा सकीना अगर हुसैन ने पानी मांग कर हुज्जत एतमाम ना की होती तो तुझे इजाज़त ना देती, जाओ पानी मांग लो। अब देखो एक जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह करे किसी बेटी को बाप के कातिल से कुछ मांगना ना पड़े। ये आले मोहम्मद की मजलूमियत है, मजलूमियत है। अब मेरी 4 साल की आकाजादी आहिस्ता आहिस्ता चली, और कहते हैं सहमी हुई शिमर के पीछे खड़ी हो गई। मलऊन ने यूं पलट के देखा, अब इसे पता चल गया, कहने लगा सकीना पानी चाहिए। हाँ,
ऐसे सर हिलाया, मलऊन ने सिपाहियों को पानी पिलाता रहा, जवाब नहीं दिया। जब पानी पिला के मशकीजे में पानी बच गया, कहते हैं करीब आया, कहते हैं सकीना से कहता करीब आओ बच्ची, करीब आओ, करीब आई, कहते हैं इसने मशकीजा उठाया, बच्ची समझी पानी देगा, दोनों हाथ यूं फैलाए बिला तशबी, यूं हाथ फैलाए, जान तो इसने क्या किया, इस मलऊन ने अजियत देने के लिए सारा पानी जमीन पे बहा दिया। जब जमीन पे पानी बहाया, अब सकीना से रहा न गया, एक दफा दौड़ के उधर आई जिधर चचा बास का सर था, कहा चचा तेरे बाद कोई जी भर के पानी भी नहीं। अलानतुल्लाह अलल कौम सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू। खुदाया तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, हमारी इस इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा, हाज़रीन पे अपनी रहमत नाजल फरमा। खुदाया हाज़रीन में जो मरीज़ हैं शिफाए कामिला आजला अता फरमा। खुदाया बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे आका व मौला इमाम ज़मान का ज़हूर फरमा। खुदाया बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें उनके मुंतज़रीन में शुमार फरमा। खुदाया हाज़रीन में जो दुआएँ मोमिनीन कहते हैं, खुदाया उन्हें शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इन बरादरान की इस सई को अपने हुजूर शरफ़ कबूलियत अता फरमा। खुदाया मोहम्मद व आले मोहम्मद के इन्हीं उलूम और इन्हीं हदफ को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। आप तमाम हाज़रीन से गुजारिश है, अपने मरहूमीन को शामिल फरमाते हुए ज़हमत फरमाएँ कि वालदैन मरहूमैन मिनहाज अली नकवी साहब के लिए एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमान मालिक इय्याक नअबुदु सिरातल्लज़ीन अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलाद्दाल्लीन। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم إنك مجيب الدعوات إنك